हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउथ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th यूपी बोर्ड फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है या तो लेंस मेकर सूत्र बोल लो या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र बोल। इस डायग्राम को मैं अलग से बना के दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, हमारी जो हेडिंग है वो है लेंस मेकर सूत्र। तो हमें क्या समझना है, लेंस मेकर सूत्र इसको समझना है। इससे पहले अगर आपने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के फॉर्मूले पे बेस्ड ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना। उसमें याद करो फॉर्मूला यूज़ होता था, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन अपॉन में आर। तो इस फॉर्मूले का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पतले से लेंस को लेना है, है ना। किसको? लेंस को। तो पतले से लेंस को लेना है और उसके लिए अपवर्तन का सूत्र हमें पता करना है। तो हमने पतले से को लेंस को ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, देखिए, सबसे पहले मैंने पतले से लेंस को लिया यहाँ पे और इसको मैंने दूसरे पृष्ठ को मैंने डेढ़ डैश करके बना दिया, दूसरे पृष्ठ को मैंने डेढ़ डैश करके बना दिया। क्लियर है मेरी बात? अब इसकी मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ पर मान ली मुख्य अक्ष है, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये इसका मध्य भाग हो गया। ओके, तो अब समझना मेरी बात को। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो किरण होगी, एक किरण ओ बिंदु वस्तु से जाएगी, एक किरण जो ओ है, एक किरण ओ बिंदु वस्तु से जाएगी और ये किरण इस पृष्ठ पर आपतित होगी और इस पृष्ठ का नाम है P1 और इस वाले पृष्ठ का नाम है P2। अभी मैं इसको भी ड्रैग करूँगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ इस पृष्ठ को समझना है। अब समझना मेरी बात को, ये पृष्ठ इधर की तरफ है, है ना, उत्तल है। तो देखो, इसका कटा हुआ भाग इधर होगा, है ना, इधर से ही तो बनाइए। तो यानी कि इसका सेंटर यहाँ पर होगा और इस पर अभिलंब कैसे आएगा, इस पर अभिलंब ऐसे करके आएगा, इस पर अभिलंब ऐसे करके आएगा। तो इस किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही है। बाहर माध्यम कितना N1, अंदर कितना N2 और बाहर माध्यम कितना N1। तो ये बाहर तो हो गया विरल और अंदर क्या हो गया सघन। अब इस किरण को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है, जब विरल से किस में जाती है, सघन में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो, अभिलंब कहाँ, ये रहा, और ये किरण ऐसे करके जाएगी तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। जब अभिलंब की तरफ झुक जाएगी तो ध्यान समझना, अब ये ऐसे करके निकल जाएगी। अब मान लिया कि दूसरा पृष्ठ नहीं है, P2 पृष्ठ अगर नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस जगह बनेगी, जिसको मैं बोल दूंगा I-, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, I- बोल दूंगा। आई नहीं समझ में? अब देखो ध्यान से, वस्तु से P1 तक की दूरी कितनी होती है, U होती है, ठीक है। और P1, देखो P1 की इमेज ही तो बननी यहाँ पर, P1 पृष्ठ के लिए तो इमेज बन रही है यहाँ पर, है ना। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V- हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, V- हो जाएगी। अब समझना इसके बाद कि अब यदि P2 पृष्ठ भी मौजूद हो तो क्या होता, अब P2 पृष्ठ भी मौजूद है तो देखो, अब I- जो है, है ना, I- जो है, इसको देखें अगर, तो यहाँ पर देखो ये किरण आगे की तरफ बढ़ी और जब ये किरण अंदर ही अंदर आगे की तरफ बढ़ी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये किरण सघन से विरल में आ जाएगी। अब सघन से विरल में आएगी, जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखो, इसका अभिलंब इसका अभिलंब किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ऐसे इसका अभिलंब ऐसे होगा। जब इसका अभिलंब ऐसे होगा, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर इधर की साइड होगा, तो इसका अभिलंब ऐसे होगा। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अभिलंब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि ये इधर आ जाएगी, यहाँ पर आई बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे वी दूरी। जितने कितने क्या कितनी दूरी आएगी, वी दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप इतना डायग्राम समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है, बहुत ईजी डायग्राम है। अब एक्चुअली में है क्या कि ये जो I- है, I- किरण, इस I- किरण को अगर आप देख रहे हो, तो जब इस आई को देखते हैं, ये किरण कहाँ से आ रही है, तो पीछे देखा जाता है, तो ये पीछे तो कहीं मिलता ही नहीं है इसका अस्तित्व। और जब इसका कोई अस्तित्व नहीं मिलता तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि I- जो है ना, ये किरण है, ये जो आई जो है ना, ये I- का प्रतिबिंब है। ये एक्चुअली में क्या है, I- का प्रतिबिंब है, यानी कि I- जो है वो आई के लिए आभासी वस्तु का कार्य है, ठीक है। तो I- जो है वो जो P2 पृष्ठ है ना, इसके लिए क्या कर रही है, आभासी वस्तु का कार्य कर रही है, ठीक है। तो आई मेरी बात समझ में, तो I- क्या हो गई, अब आभासी वस्तु हो गई, किसके लिए, P2 पृष्ठ के लिए, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, आई पर बन रही है। आई मेरी बात समझ में, ये चीज़ है इस पृष्ठों के में। तो बस इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम देखें इसकी मोटाई टी हो, और इसकी मोटाई टी जो है वो लगभग 0 के बराबर है,
इसकी मोटाई जो टी है वो लगभग लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और जब वो जीरो के बराबर है तो ध्यान से देखना हमें कितनी दूरी चाहिए होगी पी टू से आई डैश की, क्योंकि ये वस्तु की दूरी हो गई है ना, क्योंकि पी टू से आई, पी टू के लिए वस्तु क्या है आई डैश, तो इतनी दूरी चाहिए होगी। तो इतनी दूरी देखो ये वी डैश है, ये टी है, तो वी डैश में से टी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, वी डैश माइनस टी आ जाएगा। देखो वी डैश माइनस टी ये हो गई वस्तु, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले किरण एन वन से कहाँ जा रही है, एन टू में, तो एन वन से एन टू में जा रही है, तो फॉर्मूला लिख दो एन टू माइनस एन वन अपॉन, अब एन टू की अपॉन में क्या होता है वी, तो वी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा वी डैश, क्योंकि पी वन प्लस के नहीं निकालने हैं, तो यहाँ वी डैश आ जाएगा अपॉन एन वन के अपॉन में क्या जाएगा यू, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, और हो गया एन टू माइनस एन वन और अपॉन में क्या आ जाएगा आर वन, क्योंकि पी वन प्लस के लिए, किसके लिए पी वन प्लस के लिए। अब पी टू प्लस के लिए देखें, तो पी टू प्लस के लिए क्या होता है, ये आभासी वस्तु का कार्य करती है, किसका कार्य करती है आभासी वस्तु का, तो देखो और एन टू से एन वन में जा रही है, अब एन टू से एन वन में जा रही है, तो एन टू की जगह पे क्या आ जाएगा एन वन और इसकी जगह पे एन टू अपॉन, अब वी डैश की जगह पे तो वी आ जाएगा क्योंकि फाइनल इमेज बन रही है, और यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा क्योंकि आभासी वस्तु क्या है वी डैश माइनस टी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी डैश माइनस टी बराबर, यहाँ एन टू की जगह एन वन आ गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा एन वन माइनस एन टू अपॉन में आर टू हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, देखो आप जानते हो टी किस लगभग लगभग किसके बराबर है जीरो के, टी लगभग लगभग किसके बराबर है जीरो के, तो टी की जगह पे क्या आ जाएगा जीरो, तो एन वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन वी डैश, और ये टी जीरो हो जाएगा और इनमें से कॉमन ले लो माइनस, तो क्या हो जाएगा एन टू माइनस एन वन और अपॉन में आर टू। अब इन दोनों को क्या करो, तो ऐड कर दो, अब इन दोनों को इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन वी डैश बराबर, देखो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन, और देखो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टू, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा एन टू माइनस एन वन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ एन वन कॉमन ले लूँ, तो एन वन कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू एन टू माइनस एन वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, एन वन जाएगा कहाँ पे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, तो देखो एन टू के अपॉन में एन वन आ जाएगा माइनस इसके भी अपॉन में एन वन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ गया वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, इससे ये कैंसिल हो गया, और एन टू अपॉन एन वन क्या होता है एन होता है, क्या होता है एन, तो देखो ये हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखो यदि वस्तु प्रतिबिंब पर रखी हो यानी कि यू बराबर इन्फिनिटी हो तो जो इमेज बनती है ना वो फोकस पर बनती है, यानी कि वी कितनी हो जाएगी एफ हो जाएगी, तो यहाँ पर रख दो वन अपॉन एफ और माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा एन माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब ये वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, यही हो गया आपका लेंस मेकर का फॉर्मूला, आगे समझ में, ये हो गया लेंस मेकर का सूत्र। तो देखा आपने कितना इजी था ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइज़।